प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें परमधाम की यह ब्रह्मवाणी दी है और यह ब्रह्मवाणी उन रहस्यों से आवरण हटाती है जो आज तक की सृष्टि में कभी भी जिसका समाधान नहीं हो सका था। वाणी क्या कहती है? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिश चंडेरा हूं। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे से परे ले जाए, जो माया के अंधकार से परे ले जाकर हमें शाश्वत सत्य की पहचान कराए, वह गुरु कहलाता है। माया का अंधकार कई तरह का होता है। एक तो सामान्य माया का अंधकार, जिसमें मनुष्य मानव कहलाने की योग्यता प्राप्त करता है। वेदों में क्या कहा गया है? मनुर्भव, तुम मनुष्य बन। मनुष्य से भी परे का स्थान क्या होता है? देवत्व। देवत्व से भी परे का स्थान क्या होता है? ब्रह्मत्व। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है। इस संसार में मनुष्य यदि धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाने का आचरण प्राप्त करता है। ज्ञान में लगा, सिलवान बना, भक्तिमान बना, तो देवता कहलाता है। इससे भी परे यदि वह सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो वह क्या कहलाएगा? ब्रह्मज्ञानी। इसलिए हर प्राणी के लिए गुरु तत्व की आवश्यकता है। सतगुरु किसको कहते हैं? वाणी कह रही है, सतगुरु मेरा श्याम जी। सतगुरु वह है। सत किसको कहते हैं? जो अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा, वह सतगुरु, वह सत्य है। यह शरीर पैदा हुआ है, नष्ट हो जाएगा। सत्य की व्याख्या ही है, जिसकी न कभी उत्पत्ति हुई हो और न कभी विनाश हो। इसका आशय क्या है? परब्रह्म की आवेश शक्ति या जो शक्ति जिस तन में विराजमान होती है, वो सतगुरु कहलाता है। अब प्रश्न यह है हमारे सामने, देखिए, कलश में एक चौपाई आती है, पिया तो को मैं सबित खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरूं सुहागिनी, कोई बतावे पिया ठोर। कौन खोज रहा है? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी। सतगुरु श्री देवचंद जी खोज रहे हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी नहीं खोज रहे हैं। एक तन है जिसके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। परमधाम में जागृत कौन है? केवल राज्य। यहाँ के सभी तनों पर फरामोशी का आवरण है। इस संसार में कोई भी नहीं जानता बिना अक्षरातीत के बताए हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। जब भया बरस ग्यारहवां, तब मन उपजो है विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा अवतार। जिज्ञासा किसके अंदर होती है? श्यामा जी ने जिस तन को धारण किया है, उस तन में जिज्ञासा होती है कि मैं ये जानूँ कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है। एक जिज्ञासु की जिज्ञासा है, एक आत्मा की जिज्ञासा है, सतगुरु की जिज्ञासा नहीं है। सुंदर साथ से भूल क्या होती है? वे शरीर को केंद्रित कर लेते हैं, शरीर को सतगुरु मानते हैं। राज्य श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन देते हैं, परमधाम की पहचान कराते हैं और कहते हैं कि अंदर श्री देवचंद जी पूछते हैं कि धनी कहाँ जाओगे? उत्तर मिलता है, अंदर तुम्हारे आकार के आके बैठे हम, आवेश स्वरूप विराजमान होते हैं। अब श्री देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, उनको पाताल से लेकर परम धाम का सब कुछ दिख रहा है। निराकार का मंडल क्या है, आदि नारायण क्या है, बेहद मंडल क्या है, परम धाम क्या है, सब कुछ दिख रहा है। जैसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, उनके अंतक चक्षुओं से सब कुछ दिख रहा है। और वैसे ही जब श्री देवचंद जी चर्चा करने लगते हैं, तो उनके अंदर जो आवेश स्वरूप विराजमान होता है, जब परम धाम का वर्णन करते हैं, ब्रजराज का वर्णन करते हैं, तो ब्रजराज के वर्णन करते समय ब्रज की लीला प्रकट हो जाती है। क्योंकि वर्णन कौन कर रहा है? जो आवेश स्वरूप अंदर आकर के विराजमान होता है। अब देखिए, हमारे समाज में लंबे समय से एक बहुत बड़ी विवादास्पद तथ्य की बात आती रही है
जो उसके संबंध में और अब इसके संबंध में। ये नई बात नहीं है, पुराने समय से इस पर प्रसंग चल रहा है। इसको समझने के लिए एक बात को समझिए, जो स्नातक होता है, स्नातक और परास्नातक को बीए और एमए कहते हैं। जो ग्रेजुएशन कर लेता है उसको संस्कृत में स्नातक कहते हैं, जो एमए कर लेता है उसको परास्नातक कहते हैं। ग्रेजुएशन वाले से पूछिए तो वो भी कहेगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, परास्नातक वाला भी कहेगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, दोनों पढ़े लिखे हैं। संसार में जो भी अखंड का ज्ञान आता है वो जिब्रील के द्वारा होता है। जिब्रील क्या है? जब्राइल जोश धनी का। अरबी में जिसको जोश कहा जाता है, देखिए जोश शब्द अरबी है। जोश का अर्थ क्या होता है? जिसमें शक्ति हो। आवेश किसको कहते हैं? आवेश की शाब्दिक व्याख्या क्या होती है? जो प्रविष्ट हुआ हो। प्रविष्ट होने वाला कौन होता है? स्वरूप होता है। साहित्यिक रूप से जोश और आवेश का एक ही अर्थ होगा। जो अखंड की शक्ति प्रवेश करती है, यहां ध्यान देने वाली बात है, जो अखंड की शक्ति प्रवेश करती है उसको आवेश भी कहेंगे और उसको जोश भी कहेंगे। लेकिन निर्णय करना होगा कि आवेश किसका है। अक्षर का आवेश है या अक्षर अतीत का आवेश है? अक्षर की पंचवासनाओं ने जो भी अखंड का वर्णन किया किसके द्वारा किया? अक्षर के आवेश के द्वारा किया। वे अक्षरातीत किसको मानते हैं? अक्षर ईश्वरीय सृष्टि सबलिक को अक्षर मानती है, केवल को अक्षरातीत मानती है। परम धाम में जो अक्षर का स्वरूप है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। जो अखंड की शक्ति आएगी उसको क्या मानेंगे? कि यही तो परब्रह्म की शक्ति है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया उसी जिब्रील के द्वारा दिया। सुखदेव जी ने जो महाराज का वर्णन करना चाहा था उसी के माध्यम से दिया। शंकर जी ने जो महेश्वर तंत्र में ज्ञान दिया उसी के माध्यम से दिया। कोई भी अखंड का वर्णन करेगा, मोहम्मद साहब ने जो आयते कही वही माध्यम बनता था जिब्रील। आप देखिए इस माया के संसार में मूल संबंध के कारण हमें परम धाम की वाणी मिली है। जैसे अभी मैंने आपको एक दृष्टांत दिया, ग्रेजुएशन किए हुआ व्यक्ति भी अपने को शिक्षित कहता है, एमए किए हुआ व्यक्ति भी अपने को शिक्षित कहता है। दोनों के शिक्षा में अंतर होता है। बेहद का ज्ञान देने के लिए बेहद की शक्ति आएगी, परम धाम का ज्ञान देने के लिए परम धाम की शक्ति आएगी। जित चरण सक्या जबराइल कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली ये ज्योत सह न सकत। जबराइल तो सत्स्वरूप से भी आगे नहीं जा सकता, सरोवर सागर में नहीं जा सकता, तो राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन क्या करेगा? हाँ, जबराइल जो अक्षर ब्रह्म का आवेश है, अक्षर के लीला का ब्रह्मांड है बेहद मंडल, उसका वर्णन करेगा। जो अक्षरातीत का आवेश है वह जानता है कि श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, राज्य के नक्शे सिख तक का श्रृंगार क्या है। अक्षरातीत का श्रृंगार वर्णन करने परम धाम के 25 पक्षों की लीला का वर्णन करने के लिए अक्षरातीत का आवेश स्वरूप अवतरित होना आवश्यक है। लेकिन साहित्य में जब अखंड की शक्ति बैठी है तो कहीं जोश ही प्रयोग कर लिया जाएगा, कहीं आवेश प्रयोग कर लिया जाएगा। लेकिन आवेश जिसको संस्कृत में आवेश कहते हैं उसी को अरबी भाषा में जोश कहेंगे। साहित्यिक दृष्टि से दोनों एक हैं लेकिन स्वरूप की दृष्टि से दोनों अलग हैं। जिब्रील अलग है और राज्य का आवेश अलग है। राज्य का आवेश श्यामा जी के अंदर आ सकता है, राज्य का आवेश परम धाम की ब्रह्मात्मा के अंदर आता है। अक्षरातीत का आवेश जब तक अक्षर की आत्मा में नहीं आएगा तब तक वो हमारे लिए राज्य का स्वरूप नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी कहा, एक और दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी है, वो अपने छोटे भाई से पानी मांगता है, एक गिलास पानी लाओ,
और अपनी पत्नी से भी एक गिलास पानी मांगता है, पानी तो एक ही मांगेगा, लेकिन उसके कहने के हाव भाव में, भाव भंगिमा में बहुत अंतर रहेगा। जिस भाव से वो अपनी प्रियतमा से कहेगा, उसी भाव से अपने भाई से नहीं कहेगा। भाई के साथ भी स्नेह है, लेकिन उसके स्नेह का रूप अलग है, प्रियतमा के साथ जो प्रेम है उसका स्वरूप अलग है। अखंड की शक्ति अखंड का वर्णन कर रही है। प्रश्न यह है कि बेहद मंडल का वर्णन करना है या परम धाम का वर्णन करना है। संतों की वाणी में इसी जोश को, जिसको अक्षर का आवेश कहेंगे, नित्यनाथ सतगुरु की संज्ञा दी गई है। और ये मान्यता है कि जब तक जोश नहीं होगा तब तक कोई भी निराकार के मंडल को पार नहीं कर सकता है, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसलिए बेहद के ज्ञान के लिए अक्षर का आवेश चाहिए, परम धाम के ज्ञान के लिए अक्षरातीत का आवेश चाहिए। हाँ, अरबी भाषा में बेहद की शक्ति को भी जोश कह देंगे, अक्षरातीत की भी आवेश शक्ति को जोश कह देंगे। लेकिन जब हम विवेचना करेंगे तो अक्षर की जो आवेश शक्ति है उसको वाणी की भाषा में हम जिब्रील कहेंगे। अक्षरातीत के आवेश को आप जिब्रील नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिब्रील क्या है? अक्षर के नूर की शक्ति है, अक्षर की शक्ति है, और उसको हर जगह जोश की शक्ति कहा गया है। श्यामा जी की आत्मा के धाम हृदय में कौन विराजमान होता है? राज्य का आवेश स्वरूप। जब राज्य का आवेश स्वरूप होता है तो उनको क्या कहते हैं? सतगुरु धनी श्रीदेव चंद जी। जब 1712 में वतन ओझल होता है, वह आवेश स्वरूप कहाँ विराजमान होता है? महामती जी के धाम हृदय में। मीराज का तन है, तन वही है, उसको क्या कहेंगे? श्री प्राणनाथ सतगुरु परम। छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के स्वरूप को क्या मानेंगे? ये हमारे सतगुरु हैं। छत्रसाल जी के बाद जितने परमहंस हुए, अब उनके लिए शिक्षापन दिया जा रहा है। वाणी सार्वकालिक है, इसलिए मिहराज सतगुरु नहीं है, श्री देवचंद जी सतगुरु नहीं है। सतगुरु कौन? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिश चढ़े रहूं। यदि राजी देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन नहीं देते, उनके धाम हृदय में नहीं बैठते, तो केवल श्री देवचंद जी थे, श्यामा जी की आत्मा ही है। श्यामा जी सहित सभी आत्माओं पर परम धाम में फरमोशी है, और यहाँ फरमोशी की लीला चल रही है। जब राज्य का स्वरूप विराजमान होगा तब उसको सतगुरु की शोभा दी जाएगी। लेकिन वाणी आज हमारे सामने न श्री देवचंद जी का तन दिखाई देता है, न श्री मिहराज का तन दिखाई देता है। ये जो चित्र देखते हैं आप, ये देवचंद जी और मिहराज के चित्र नहीं है, ये तो जाम राजाओं का चित्र है, जिसको हमारे समाज ने देवचंद जी और प्राणनाथ जी कहना शुरू कर दिया। हमारे सतगुरु कौन है जो हर पल हमारी आत्मा के साथ रहता है? ये वाणी किसने कही? अक्षरातीत। ब्रज में 1152 दिन तक लीला होती है। राज्य का वेश अक्षर की आत्मा के हृदय में विराजमान है। उस तन के साथ जो लीला होती है, कृष्ण नाम से लीला होती है, राज्य ब्रज से रास मिले जाते हैं, रास लीला का अनुभव कराकर पुनः परम धाम ले जाते हैं, जिस जागनी के ब्रह्मांड में आते हैं, श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सबको परम धाम का ज्ञान देते हैं। परम धाम की वाणी अवतरित होती है महामती जी के तन से। सब कुछ करने वाला कौन है? केवल राज्य। इसलिए सबके सतगुरु कौन हुए? राज्य। सतगुरु मेरा श्याम जी। श्याम किसको कहते हैं? मोटे तौर पर श्याम का अर्थ समझिए, जिससे अधिक सुंदर कोई न हो, सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है वह है श्याम। श्रृंगार रस का स्वरूप क्या है? श्याम रंग। तपाए हुए कंचन वर्ण की जो आभा है उसको श्याम रंग कहते हैं। कोई श्वेत रंग का व्यक्ति हो, बहुत गोरा, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ा कर दीजिए तो उसका चेहरा क्या होता है? लाल रंग का। वो वही सबसे सुंदर रंग माना जाता है सौंदर्य का। आप जानते हैं साहित्य में जिसका भी स्वरूप लालिमा लिए हुए होता है, किशोरावस्था होती है, उसको श्यामा कहा जाता है। राधा को भी श्यामा कहा गया, सीता को भी श्यामा कहा गया। ये किसके आधार पर? सौंदर्य को दर्शाने के लिए कहा गया। श्याम का अर्थ क्या होता है? जो
अति सुंदर किशोर स्वरूप हो। श्याम का अर्थ काला भी होता है, लेकिन यहाँ श्याम का अर्थ क्या होगा, जो सौंदर्य परक है, जो जिससे अधिक सुंदर कोई नहीं है, जो प्रेम का सागर है, सौंदर्य का सागर, वो क्या कहलाएगा, श्याम। सतगुरु मेरा श्याम जी, मेरे सतगुरु कौन है, जो मूल मिलाव में बैठे हुए हमें माया का खेल दिखा रहे हैं, वही हमारे सतगुरु हैं। अभी मैं जोश और आवेश के बारे में कह रहा था, यदि अक्षर का आवेश योगेश्वर श्री कृष्ण के अंदर नहीं आता तो गीता का ज्ञान अवतरित नहीं होता। महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दोनों सेनाओं के बंद में मुझे सुनना पड़ा, अब महाभारत का युद्ध बीत गया है, शांति का समय, दोबारा सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि न च सक्यम पुनः वक्तुम अशिष्येण धनंजय, हे अर्जुन उस ज्ञान को दोबारा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो ब्राह्मी अवस्था में कहा, मुझे स्वयं मालूम नहीं है कि मैंने कहा क्या है, क्योंकि बोलने वाला कौन बोल रहा है, ब्रह्म की शक्ति अक्षर का आवेश बोल रहा है। अक्षर का आवेश किस पर बोल रहा है, अक्षर की सुरता पर बोल रहा है। अक्षरातीत का आवेश किसके साथ लीला करेगा, परम धाम की आत्माओं के साथ, जो परम धाम के मूल पांच स्वरूप हैं, राज्य श्यामा जी, सखियाँ, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी। राज्य का आवेश केवल चार पर आएगा, परम धाम की ब्रह्मात्माओं पर आएगा, श्यामा जी पर आएगा, अक्षर की आत्मा पर आएगा या महालक्ष्मी पर आएगा। यदि राज्य का आवेश कुमारिकाओं के जीवों के साथ लीला नहीं कर सकता, कुमारिकाओं के साथ लीला नहीं कर सकता, तो इस सृष्टि पर कभी भी राज्य का आवेश नहीं आएगा। जब आएगा तो परम धाम के पांचों स्वरूपों का जो लीला रूप स्वरूप है, राज्य अक्षर की आत्मा में ब्रज में आते हैं, रास में आते हैं, और उसके पश्चात पहला जो स्वरूप है देवचंद जी का, उस पर लीला होती है, और उसके पश्चात महामती जी के धाम हृदय में लीला होती है। एक जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा होती है कि वो सतगुरु किसको कहे। देखिए हमारे मूल सतगुरु कौन है, केवल राज्य, वह शोभा कोई नहीं ले सकता। जब वह आवेश स्वरूप श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान होता है या श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, तो उनको हम सतगुरु कहते हैं। अब देखिए आगे लीला बढ़ती है। महाराजा छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला 7 वर्ष तक होती है। उनसे केसर भाई को भी ज्ञान मिलता है, तेजस्वी बाबा को भी ज्ञान मिलता है, और ब्रजभूषण जी को भी ज्ञान मिलता है, लेकिन कोई छत्रसाल जी को सतगुरु नहीं कहता है। हाँ, श्रद्धा के रूप में माना जाता है। जो आवेश स्वरूप है हर ब्रह्मात्मा के साथ जुड़ा हुआ है मूल संबंध से। आपने चौपाई पढ़ी है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताई करो आराम। मैंने कल भी चर्चा में कहा था कि राज्य कहाँ है, हक नजीक से रक से, प्राण की नली से भी निकट रहे राज्य है। तो क्या सभी सतगुरु हो गए, श्यामा जी अक्षरातीत की हिला नहीं सकती हैं, लेकिन जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन होता है, राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान होता है, तभी से उनको सतगुरु धनी से देवीचंद जी कहा जाता है। इसके पहले तो 2 बार और दर्शन हो गया था, लेकिन राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान नहीं हुआ। प्रश्न ये होता है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि प्राण की नली से भी निकट है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि 40 वर्ष की अवस्था में विराजमान होते हैं, तो दोनों में तो विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है तो आपको बर्फ की आवश्यकता पड़ सकती है। जो आपकी टोटी में पानी आ रहा है वो बर्फ तो नहीं है, लेकिन इसी से बर्फ बनेगा। आप इसको ठंडा कर दीजिए, बर्फ बनेगा। बर्फ को गर्म कर दीजिए, पानी बनकर प्रवाहित होने लगेगा। अक्षरातीत मार्फत की दृष्टि से हर ब्रह्मात्मा के अंदर है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आग है, आग तो पानी में भी है। मैं कहूँ कि पानी में आग है तो आपको बुरा लगेगा कि कितनी झूठी बात कही जा रही है। पानी में आग है तो इस पानी को आग पर फेंक जालने पर आग बुझ क्यों जाती है, लेकिन सच है, पानी में आग है लेकिन कारण रूप में है। उसी तरह से
हकीकत के रूप में जब तक राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान नहीं होता है। हकीकत का तात्पर्य क्या है? सत्य। राज्य आवेश स्वरूप से लीला करते हैं देवचंद जी के धाम हृदय में। जब श्री देवचंद जी चर्चा करते हैं तो ब्रज का स्वरूप प्रकट हो जाता है, राज का स्वरूप प्रकट होता है, साक्षात लीला होने लगती। उस समय मीराज भी बालक है, मीराज के तन में राज्य का आवेश नहीं है, लेकिन मीराज की आत्मा के हृदय में मार्फत के दृश्य राज्य वैसे ही बसे हुए हैं जैसे पानी के अंदर अग्नि है। मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ये तो संसार का दृष्टांत है केवल समझने के लिए। पानी में आप उंगली डालते हैं तो ठंडक लगती है, लेकिन आग में डालेंगे तो क्या होगा? जैसे आपको मैं एक दृष्टांत देता हूँ, एडिसन प्रयोग कर रहा था, वैज्ञानिकों का प्रयोग भी अजीब होता है। उसने देखा कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, सोचा कि कैसे उड़ती है, ये क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। उसने कीड़े मकोड़े इकट्ठा किया और पीस कर एक बच्चे को पिला दिया कि ये भी उड़ जाएगा। वैज्ञानिक की अपनी खोज, चिड़िया उड़ती है पंख से उड़ती है, कीड़े खाने से नहीं उड़ती, लेकिन उसको खोज करना है। ऐसे ही समझिए जो अक्षरातीत का स्वरूप है सबके साथ जुड़ा हुआ है। भैरव सेठ के साथ भी वही जुड़ा हुआ है, लक्ष्मण दास के अंदर भी वही राज्य का स्वरूप है, लेकिन वो मार्फत के दृष्टि है। पानी में उंगली डालेंगे तो ठंडक लगेगी। अब सोचे कि वही सी पानी में आग है और पानी और अग्नि का संबंध है, अग्नि से जल प्रकट हुआ है, तो आग पर आप उंगली डालेंगे कि नहीं जलना चाहिए, क्योंकि इसी अग्नि में पानी है, वो पानी हमें ठंडक लगने देगा, जलने नहीं देगा, तो आग तो आपका हाथ तो जल जाएगा। इसलिए ये तात्विक दृष्टि बात समझने वाली है कि मार्फत के दृष्टि कैसे हैं और हकीकत के दृष्टि। हकीकत किसको कहते हैं? सत्य। जैसे बर्फ जमा है, जब वो बहने लगता है तो क्या कहलाते हैं? यह हकीकत। जमा है, घनीभूत रूप है, तो क्या कहलाएगा? मारिफत। बर्फ को पानी नहीं कह सकते, पानी को बर्फ नहीं कह सकते, लेकिन दोनों एक ही स्वरूप है। हकीकत प्रकट होती है मारिफत से, मारिफत किसके अंदर विद्यमान है? हकीकत के अंदर विद्यमान है। मैं आपको सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हमारे समाज में विवाद बहुत हो जाते हैं। कोई कहेगा सतगुरु धनी से देवचंद जी बड़े, कोई कहता है प्राणनाथ जी बड़े। देवचंद जी के अंदर कौन बैठा है? तब श्रीमुख बच्चन ने कहे प्राणनाथ, ढूंढ कारणों अपने साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म, सो बुलावन आए हैं हम। प्राणनाथ कौन है? गांगजी भाई से किसकी बात हो रही है? मीराज की नहीं, प्राणनाथ की बात हो रही है। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्मा के जीवन का आधार है वही प्राणनाथ है। वही ब्रज में आता है, वही रास में रहता है, वही श्री देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देता है, वही बारात के पीछे पीछे जाते समय भी वही मिलता है देवचंद जी को, वही तीसरी बार वही दर्शन देता है, वही हफ्से में मिहराज को मिलता है, वही छत्रसाल जी के तन से लीला करवाता है, वही ब्रह्मात्माओं के ध्यान हृदय में बसता है। जो हमारे जीवन का आधार है वो प्राणनाथ है, मिहराज प्राणनाथ नहीं है। मिहराज के अंदर जब प्राणनाथ बैठेंगे तो उनको प्राणनाथ कहा जाएगा। महामति प्राणनाथ नहीं है। महामति के सतगुरु कौन है? श्याम जी। महामति के सतगुरु कौन है? प्राणनाथ। महामति के सतगुरु कौन है? अक्षरातीत। महामति के प्रीतम प्राणनाथ है, इसलिए महामति प्राणनाथ दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सीता के प्रीतम कौन है? राम, तो सीताराम प्रयोग होगा। राधा के प्रीतम कौन है? कृष्ण, तो राधा कृष्ण प्रयोग होगा। इसलिए महामति के प्रीतम कौन है? प्राणनाथ, तो महामति प्राणनाथ सामूहिक रूप से प्रयोग होता है, यह दर्शाने के लिए कि महामत खेले अपने लाल सो जो अक्षरातीत कर। तो मैं यही बात समझा रहा था। देखिए संसार में जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है, इसके लिए योग दर्शन में एक सूत्र है, मुदिता करुणा और उपेक्षा। मुदिता किसको कहते हैं? प्रसन्नता से। यदि हमारे अनुकूल कोई व्यक्ति मिलता है जैसा हमारा स्वभाव है तो उसको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होती है। यदि कोई हमारे चाल चलन से उल्टा मिलता है तो उस पर दया आती है कि
कि यह व्यक्ति ऐसा है, उस पर दया करो, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है, तो उसके प्रति करुणा का भाव जागृत होता है। और एक है उपेक्षा। उपेक्षा किसको कहते हैं? जब यह लगे कि किसी भी स्थिति में सुधरेगा ही नहीं, तो सोच लेना चाहिए कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसके प्रति उपेक्षा वृत्ति लेनी चाहिए। वैसे ही इस संसार में सद्गुरु के स्वरूप पर भी आप देखेंगे, सृष्टि के प्रारंभ से समय से ही विवाद चला रहा है, ये नया विवाद नहीं है। पहले क्या था? तारतम्य ज्ञान के अवतरण से पहले सारी सृष्टि किसको परमात्मा मानती थी? आदि नारायण को। सतगुरु किसको मानती थी? जिसने उस सत्य को दर्शा दिया। जैसे विवेकानंद के सतगुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। क्योंकि विवेकानंद को जो अनुभव कराया निर्वीज समाधि में ले जाएगा, वो तो सतगुरु ही मानेंगे। आप प्रवाही समाज में जाइए तो जो निराकार तक का ज्ञान रखते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनको समाधि का भी पता नहीं, वो भी सतगुरु ही कहलाते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा की वशीभूत सतगुरु कह लेते हैं। जो वाणी का सत्य है वो क्या कहता है? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चंडेर हूँ। किसी भी तन के संपर्क में आप हमेशा नहीं रह सकते, न तो मीराज श्री देवचंद जी के संपर्क में दिन रात रह आपको विदित है, 9 वर्षों की जुदाई की झेलनी पड़ती है। छत्रसाल जी को भी श्री जी कब मिले? बहुत लंबे समय के बाद। वाणी क्या कह रही है? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चंडेर हूँ। देखिए, हम एक एक शब्दों पर गहराई से ध्यान देंगे तो बहुत गहरा रस नजर आएगा। जो मेरा सतगुरु है वो कौन है? मेरा प्रीतम। और वो कहाँ रहता है? हक नजीक से, हरक से, हमारे प्राण की नली से भी निकट है। वो मूल मिलावे में भी बैठा है और यहाँ भी है। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ। इसके पहले ऋषियों ने बोला था कि गुरु कौन है? स ऐसा पूर्वेशम अपि गुरु। जो परमात्मा है वही सबका गुरु है, क्योंकि उसी से सबका सबको ज्ञान का प्रकाश मिलता है। ज्ञान का सागर कहाँ है? अक्षरातीत के हृदय में। ज्ञान का सागर कौन है? अक्षरातीत। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर। अक्षरातीत के हृदय में अनंत सागर है। उस इल्म के अनंत सागर की एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आती है और वो स्वयं सागर बन जाती है। हकीकत के दृष्टि जब आप देखते हैं तो आप इस संसार में क्या है? असहाय है। देखिए, हमारे भी 2 हाथ पैर हैं, श्री देवचंद जी के भी 2 हाथ पैर थे, श्री महाराज के भी 2 हाथ पैर हैं। विशेषता शरीर की नहीं है, विशेषता उस तन में बैठी हुई आत्मा की है। देवचंद जी के तन में जो परम धाम की श्यामा जी की आत्मा है, जब वो कसौटी पर अपने को कसते हैं, अपने प्राण वल्लभ का दीदार करते हैं श्याम जी के मंदिर में, राजी दर्शन देकर धाम हृदय में बैठ जाते हैं, तो सब सुंदर साथ क्या कहता है? ये हमारे राजी हैं, ये हमारे सतगुरु महाराज हैं। जब मीराज हफ्से में जाते हैं, 6 माह तक विरह में तड़पते हैं, राजी का प्रत्यक्ष दीदार होता है। अब प्रश्न यह है, 1712 में श्री देवचंद जी का अंतर्धान होता है, युगल स्वरूप मीराज के अंदर विराजमान हो जाते हैं, लेकिन मीराज पर अभी फरामोशी का आवरण है। उनको स्वयं पता नहीं है कि मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं। क्या आपको पता है? आप 100 बार 1000 बार भी वाणी पढ़ जाइए, हक नजीक से हरक से, क्या आपको पता है कि हमारे आपके हृदय में राजी बैठे हैं? क्यों? जैसे आप इधर बैठे हैं, मेरे और आपके बीच में एक मोटा पर्दा कर दिया जाए, मैं आपको न देख सकूं, आप न मुझे न देख सकें, तो क्या होगा? दोनों कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं नहीं हूं, मैं कहूंगा आप नहीं है। उसी तरह से जब तक हमारी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, जब तक हमारी सुरता शरीर भाव से परे नहीं होती, जीव भाव से परे नहीं होती, परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य को प्रत्यक्ष नहीं देखती, तब तक कोई भी ब्रह्मात्मा ये विश्वास ही नहीं कर सकती है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य विराजमान है।
इसको क्या कहेंगे, जब अनुभूति हो गई तो क्या कहते हैं, अब सच्चाई है कि राज्य हमारे धाम हृदय में है। नहीं तो इसके पहले क्या कर रहा होता है हमारा जीव, न जाने कितनी बार झूठ बोलता है, कितनी बार क्रोध करता है, कितनी बार विकारों में फंसता है। जब हम अपने विकारों को देखते हैं तो हमें सपने में भी विश्वास नहीं होता कि हमारे धाम हृदय से राज्य का संबंध है, और मन को बहला लेते हैं कि चलो वाणी में लिखा है कि हक नजीक शहर से, तो हम विश्वास कर लेते हैं कि राज्य हमारे अंदर भी हो सकते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि राज्य यदि हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर बुरे विचार क्यों आते हैं, काम क्रोध मोद मद लोभ हमारे अंदर क्यों आते हैं, हम अभक्ष का भक्षण क्यों करते हैं, ये कौन कर रहा है, हमारा जीव कर रहा है। क्यों कर रहा है, जन्म जन्मांतरों की वासना है हमारे अंदर। अभी मैं आपको बता रहा था, जब तक तारतम ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ था तब तक अक्षरातीत किसको माना जाता था, दुनिया आदि नारायण को ही अक्षरातीत मानती थी, आदि नारायण से परे का कोई ज्ञान नहीं था। चौदह तप को वका का कोई बोलिया न एक हरफ, सारा संसार या तो परमात्मा को साकार मानता था या निराकार मानता था। और तो और छोड़िए, आदि नारायण अक्षर के सपने का मन है, और आदि नारायण से कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, सारा संसार तो इनको ही अक्षरातीत माने बैठा है। आप रामानंदी वैष्णव के मंदिर में जाइए, वो क्या गाएंगे, सियाराम जी पूर्ण ब्रह्म, उस सीताराम से आगे का उनका ज्ञान ही नहीं है। जब तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला, कोई वेद शास्त्र को पढ़ता है तब उसको लगता है कि आदि नारायण क्या है, ये तो अक्षर के मन का सपने का स्वरूप है, और इससे भी परे कौन है। ये मोह का आवरण जब तक हटता नहीं, जीव की नज़र हंस अवस्था में निराकार को पार करती नहीं, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए कितने भी बड़े बड़े ऋषि हो गए जिनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, हम सुंदर साथ तो एक हफ्ते क्या 4 घंटे भी, मुझे नहीं लगता कि 40 लाख की संख्या में 4 घंटे बैठकर ध्यान करने वाले 100 भी होंगे। 1 घंटा 2 घंटा बैठे जल्दी से उठ करके भाग लेते हैं कि हमारी चितवनी पूरी हो गई। ऋषियों ने हजारों हजारों साल गुजार दिया है। महेश्वर तंत्र के अंदर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में जो ज्ञान मैंने सुना वो तुमको सुना रहा हूँ। मैंने अक्षरातीत को देखा नहीं है, मैं तुमको सुना रहा हूँ कि अक्षरातीत कैसे है। सुनी सुनाई बात को जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, राज्य का श्रृंगार वर्णन करूँ, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और दूसरे को सुना दीजिए, तो आप केवल सुनकर सुनाने वाले हैं। आपने जिसका श्रृंगार मैंने वर्णन किया है आपने देखा नहीं है। आप सोचिए, हमें राज्य ने परम धाम का कैसा अखंड धन दिया है जिसकी कीमत आज हमारा समाज नहीं जानता है। अक्षर की जो पंचवासनाएं हुई, उन्होंने सबलिक को अक्षर माना, केवल को अक्षरातीत माना, केवल ब्रह्म से आगे का ज्ञान किसी भी पंचवासना को नहीं था। कबीर जी को कुछ अनुभूति थी सत्स्वरूप तक की, लेकिन सृष्टि में कोई नहीं हुआ जो ये बता दे कि त्रिपाद ऊर्ध्वदयित पुरुषा का आशय क्या है। आदि नारायण तक को इसका अर्थ नहीं पता कि त्रिपाद अमृत क्या है, इसके परे क्या है। आदि नारायण को तो जिस क्षण पता चलेगा कि निराकार के परे बेहद है, उसी क्षण प्रलय हो जाएगा। यह सारा संसार इसी निराकार के अंदर, इसी मोह सागर के कणकण में सच्चिदानंद परमात्मा को देखता है। सभी पढ़ते हैं अतीत वर्ण तम से प्रस्तात, लेकिन कोई नहीं जान पाता। अब आए स्वयं अक्षरातीत, श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। हौज कोसर मानिक पहाड़ पुखराज 25 पक्ष सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। कौन वर्णन कर रहा है, जो परम धाम का अक्षरातीत है वही वर्णन कर रहा है। यह कार्य अक्षर के आवेश से नहीं हो सकता। अक्षर की आत्मा ने श्यामा जी को नहीं देखा तो कैसे वर्णन करेगा, लेकिन जब एक साहित्यकार वर्णन करेगा तो अक्षरातीत के आवेश को भी जोश लिखेगा और अक्षर के आवेश को भी जोश लिखेगा अरबी में। संस्कृत का विद्वान जब वर्णन करेगा तो क्या कहेगा, कबीर जी ने अक्षर के आवेश से 52 शाखियों की रचना की है।
सुखदेव जी ने अक्षर के आवेश से महारस का वर्णन किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अक्षर के आवेश से गीता का ज्ञान दिया है। लेकिन ये तारतम ज्ञान से पता चलेगा कि जो तारतम वाणी का अवतरण हुआ है यह अक्षर के आवेश से नहीं है। जो अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक से लौट आते हैं, जो अक्षर ब्रह्म मूल मिलावे में प्रवेश नहीं करें, वे अक्षर ब्रह्म कहाँ से बता देंगे कि श्यामा जी का नक्षसिक तक श्रृंगार क्या है, ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार क्या है। आप परिक्रमा में पढ़ते हैं कि प्रणाम करके पीछे फिरे इत और न दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दोई। इसलिए जब हमारे समाज शब्दों के विवाद में पड़ जाता है, किस शब्द का प्रयोग किसके प्रसंग में किया गया है, जैसे एक हिंदी में कहावत कही जाती है, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भय बहुत उदास। एक ही हरि शब्द है, हरि बोला मेढक ने बोला, हरि ने सुना सर्प ने सुना, सर्प उसको पकड़ने के लिए आता है, तो वे हरि हरि में गए। हरि किसको कहते हैं, पानी। मेढक पानी में घुस गया और सर्प बाहर उदास होकर के बैठ गया। एक ही हरि के तीन अर्थ हैं, मेढक को भी हरि कहा गया, सर्प को भी हरि कहा गया और पानी को भी हरि कहा गया। अब आप झगड़ा कीजिए कि नहीं, हरि का अर्थ केवल मेढक होगा तो भी सत्य नहीं निकलेगा, हरि का अर्थ केवल जल होगा तो भी सत्य नहीं निकलेगा, हरि का अर्थ सर्प होगा अकेले तो भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से जोश और आवेश पर एक विभेद चलता रहता है। सत्य को या तो कोई जानना नहीं चाहता या जानबूझकर भी अनजाना बना रहता है। यह समझिए, जिस तरह से इश्क और प्रेम भाषा भेद है, वाणी की रचना क्या है, वाणी की रचना में जैसे एक अरबी का शब्द आएगा तो उसके साथ एक संस्कृत का शब्द आएगा, आशा उम्मीद। वाणी में आप जहां भी देखेंगे तो आशा शब्द होगा तो उम्मीद भी रहेगा। वन जंगल, वन और जंगल क्या है, वन संस्कृत का है, हिंदी का है, जंगल किसका है, अरबी फारसी का है। उसी तरह से प्रेम इश्क, तो एक मान्यता गढ़ ली गई, प्रेम कहाँ है योग माया में, इश्क कहाँ है परमधाम में, ऐसा नहीं है। या के प्रेमी को बस्तर, या के प्रेमी के भूखन, प्रेम बसे पिया के चित। चित किसको कहते हैं, दिल को। राज्य के हृदय में प्रेम बसता है। हाँ, ये विवेचना करनी पड़ेगी, कौन सा इश्क। इश्क तो जिस्मानी भी होता है, इश्क तो नफ्सानी इंद्रियों का होता है, इश्क तो दिल का भी होता है और इश्क आत्मा का भी होता है। शरीर का, इंद्रियों का, जीव का, आत्मा का जो प्रेम है, आत्मा का इश्क कहाँ होगा, केवल परमधाम में। हकीकत का जो इश्क है, मारिफत का इश्क है, वो परमधाम में होगा। शरीयत और तरीकत का इश्क कहाँ होता है, जिस्म से होता है, इंद्रियों से होता है, इस शरीर का है। लेकिन क्या जिस्मानी इश्क को आप परमधाम में ले जा सकते हैं, नहीं। उसी तरह से सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अनिश चल रहूं, दिन रात रहने की बात कही गई है। किसके चरणों में रहना है, मैं अपने सतगुरु के चरणों में रहूं। मेरा सतगुरु कौन है, राजी। आप देखिए, मूल सतगुरु हैं राजी, आवेश सतगुरु कौन है, श्री देवचंद जी का स्वरूप और श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप। उसके पश्चात परमहंसों की लीला होती है, छठे दिन की लीला किसके तन से होती है, सभी ब्रह्मात्माओं के दिल से। छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ को अधिकार है। आप के घर पर न जाने कहां कहां से टीकाएं रखी हैं, परमधाम के नक्शे रखे हैं। आप सोचिए, श्री देवचंद जी को यह सौभाग्य तो नहीं मिला होगा। महामती जी की आत्मा क्या कहती है, ये नित देते मेरा जीव निकसे। जब वाणी अवतरित हो रही है, महामती जी की आत्मा पुकार कर कह रही है, जब मैं इसको कहती हूँ तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन परम धाम के सुंदर साथ की भावनाओं को समझिए, 5000 की संख्या है। अब देखिए, हम तो हिमालय की तराई में रह रहे हैं, मंदसौर का इलाका आप जाकर देखिए, वहाँ तापक्रम कितना तेज होगा, लू के थपेड़े अप्रैल में भी चल रहे होंगे। और जो ये 5000 का समूह जब चलता होगा, वृक्षों के नीचे ही तो गुजारा करना पड़ता होगा। उस समय क्या होता था, 4 बजे भोर में चल देते थे, 10 बजे तक यात्रा होती थी, सब लोग
वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, किसी बस्ती से मांग करके कोई लाता है पेड़ों के नीचे, उन्हीं पेड़ों के नीचे जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं वो बैठे होते हैं। कहीं ठहरना होता है तो टेंट तो लादा नहीं जाता, आजकल की तरह फ्लाइट नहीं थी, कोई बैलगाड़ी पर भी नहीं लेकर जा सकता था, सब पैदल चल रहे हैं, बैजूराज पैदल चल रही हैं, प्राणनाथ जी पैदल चल रहे हैं, 5000 का समूह बच्चे हैं वो भी पैदल चल रहे हैं। सबके अंदर जुनून है कि हमें परम धाम की आत्माओं को जगाना है। और आज तो देखिए कितनी सुख सुविधाओं में हम रहते हैं, हमसे जरा भी गर्मी नहीं झेली जा सकती, हम फ्लाइट से यात्रा करते हैं, वो भी समय था। उस पीड़ा का एहसास कीजिए, हफ्से में महामती जी को कितना तड़पना पड़ा है, 40 वर्ष की अवस्था तक श्री देवचंद जी को कितने कष्टों के साथ किस किस पंथ में जाना पड़ा है, कितनी कसौटी कसनी पड़ी है। भागवत सुनने जाते हैं, आकर के ध्यान करते हैं। देवचंद जी इतने गरीब परिवार में जन्मे हैं कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अच्छा प्रतिदिन खा सकें, तो अपने बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए अलग से रख लेते हैं। हम सुंदर साथ कितने अच्छे खाते पीते हैं, कभी हमने सोचा है? आज हमारे सभी प्रमुख स्थानों से वाणी की टीकाएँ छपती हैं, वाणी छपती है। उस जमाने में जो सुंदर साथ पन्ना जी भी आ गए, बहुत कठिनाई से कागज प्राप्त होता था, हस्तलिखित लिखा जाता था, जिसने जीवन में एक बार वाणी पढ़ ली वो अपने को धन समझता था। आज तकनीकी सुविधाएं हैं, आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है हमारे पास, वो समर्पण नहीं है, वो प्रेम नहीं है जो उस समय के सुंदर साथ में था। और छठे दिन की लीला में राज जी ने यही कहा है कि इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। श्री महाराजा जी सो कहया, एक देखो तो तुम तीस वास्ते सेवा साथ की सोप चलत है। हम अब इस छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ को अधिकार दिया गया है कि जो दोनों तनों से परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है आपको ग्रंथ रूप में दे दिया गया, सारा खजाना दे दिया गया, आपको परम धाम देखने का मार्ग भी दर्शा दिया गया। आप देखिए श्री देवचंद जी को 40 वर्ष की अवस्था तक क्या पता था कि परम धाम की चितवनी क्या होती, स्वयं श्री महाराज को हफ्से से पहले क्या मालूम था। हफ्से में राज जी दर्शन देते हैं, महाराज के धाम हृदय में प्रत्यक्ष विराजमान होकर लीला करते हैं, लीला तो तब भी कर रहे थे, लेकिन महामती जी की आत्मा को यह पता नहीं था कि मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप लीला कर रहे हैं। जैसे हर ब्रह्मात्मा के साथ राज जी का संबंध है, संबंध मूल को मैं तो पापल छोड़ियो न जा, आप राज जी को छोड़ सकते हैं, राज जी आपको नहीं छोड़ सकते, हर पल राज जी आपके दिल में है, लेकिन ये आवरण है। जैसे मैंने आपको अभी दृष्टांत दिया, आपकी आंखों के आगे चादर टांग दी जाए तो न मैं दिखूंगा न आप मुझे देखेंगे, यही है हमारे और धनी के बीच में ये जो शरीर है ये ब्रह्मांड रूपी पर्दा है, ब्रह्मांड का सूक्ष्म अंश हमारा शरीर है, इस शरीर से हम परे नहीं हो पाते, ब्रह्मांड से परे नहीं होते, जीव भाव से परे नहीं होते, तो हमारी अंतर्दृष्टि इसी माया के संसार में भटकती रहती है, हम जीव के अच्छे बुरे कर्मों को देखते रहते हैं और इसी में हमारी सुरता प्रेम को खो देती है और सामने माया का अंधकार होता है। वाणी क्या कह रही है, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चढ़े रहूं, संबंध मेरा यही सो, मेरा संबंध किससे है, राज्य से, उस राज्य को पकड़िए जो शरीरों से परे है, देवचंद जी के तन में बैठ कर लीला करता है वही हमारा प्रीतम, मीराज के तन में लीला करता है, लेकिन लीला करने वाला हमारी भी आत्मा के तन में है, हमारी भी आत्मा के हृदय में है। अब हमें छठे दिन की लीला में क्या करना है, उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश दिया है उसके आधार पर हमें यह जानना है कि हक नजीक से रख से, कड़वे सच को सुनने के लिए हमें थोड़ा तैयार होना चाहिए, अपना हृदय भी मजबूत करना चाहिए। देखिए जब श्री देवचंद जी का तन ओझल होता है, अंतर्धान होता है, सब सुंदर साथ क्या समझते हैं कि राज्य परम धाम चले गए, एक वर्ग समझता है कि परम धाम चले गए, एक वर्ग समझता है कि सद्गुरु महाराज जिस आसन पर बैठते थे उसी में बैठते हैं, जो बैठेगा वो राज्य का स्वरूप हो जाएगा,
किसी को यह पता नहीं था कि राज्य हक नजीक से है रख से। अब सागर की वाणी उत्तरित होती है, सिंगार की वाणी उत्तरित होती है, सिंधी की वाणी उत्तरित होती है, तब पता चलता है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है इताए करो आराम। उस समय किसी को पता नहीं था कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। सबने आड़िका लीला देखी है, सोने की कसेड़ी भी मिल जाती है, यमुना जी में स्नान भी कर लेते हैं, सब कुछ पता है, ब्रज की लीला दिखाई देती है, रास की लीला दिखाई देती है, लेकिन यह पता नहीं कि हक नजीक से हरक से का अर्थ क्या होता है। आज छठे दिन की लीला है, आपको तारतम वाणी का प्रकाश है, और इस प्रकाश में आपको क्या देखना है, मेरा सतगुरु कौन है, मूल स्वरूप श्री राज्य। वही राज्य देवचंद जी के अंदर विराजमान होते हैं, वही राज्य मिहराज के तन में विराजमान होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, आवेश सतगुरु। मूल सतगुरु राज्य, आवेश सतगुरु, सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी। अब क्या है, जितने परमहंस हुए उनसे परम धाम का ज्ञान मिलता है, गोपाल मणि जी से मिलता है, बाबा दयाराम से मिलता है, परमहंस महाराज से रामरतन दास जी से मिलता है, मंगलदास जी से मिलता है, जो इनके संपर्क में आएगा वो तो सतगुरु ही मानेगा। परम धाम के संबंध से उस तन में परम धाम की ब्रह्मात्मा है, निस्बत का संबंध है, मार्फत के दृष्टि से हर ब्रह्मात्मा के दिल में राज्य है, राज्य ने उस तन को आदेश दिया है कि जाओ परम धाम की आत्माओं को जगाओ। अब उस आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति कितनी है, यदि वह आत्मा मार्फत की अवस्था में है, देखिए मार्फत की और हकीकत की अवस्था में क्या अंतर है, मैं आपको संक्षेप से बता देता हूँ। जो भी परमहंस होते हैं वो 25 पक्षों का दृश्य देखते हैं, युगल स्वरूप को दृश्य देखते हैं, परम धाम का ज्ञान देते हैं। जिसके पास परम धाम का ज्ञान आ गया, राज्य का दर्शन भी नहीं हुआ है तो क्या, यदि उसके पास अटूट विश्वास है, अटूट समर्पण है, अटूट भाव है, तो राज्य का जोश उसके साथ कभी भी लीला कर सकता है, कभी भी चमत्कारिक लीलाएँ हो सकती हैं, लेकिन वो राज्य नहीं कहलाएगा। देखिए जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना ना तिनको मान। आपके पास इतना ज्ञान आ जाए कि सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को, जो 8 अरब की जनसंख्या है, अकेले तारतम देने का बल आप में आ जाए, और सबको आप तारतम भी दे दें, फिर भी लेना न तीन गुमान, आप ये अहंकार मत लीजिए कि मैंने सारे ब्रह्मांड को तारतम दिया है। आपको किसको सौंपना पड़ेगा, राज्य को, क्योंकि वाणी का ज्ञान किसका है, राज्य का। आप किसकी कृपा से बोल रहे हैं, उसकी कृपा से, आपका तो कुछ नहीं है। हमसे भूल क्या होती है, हम कुछ भी करते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि तैसा ही होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जो जागृत परमात्मा होगी वो क्या करेगी, आप देखिए सुंदर साथ किसकी आरती उतार रहे हैं, कंजल थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योत प्रकाश में, आखिर में क्या आता है, महामति चरणोल्लाग। सब सुंदर साथ किसकी आरती उतार रहे हैं, श्री जी के स्वरूप की, महामति जी के अंदर जो श्री जी के स्वरूप में जो महामति की आत्मा है वो कह रही है कि भाई तुम मेरे शरीर की आरती उतार रहे हो तो मैं भी अपने हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को मैं प्रणाम कर रही हूँ। महामती जी किसको सतगुरु मानते हैं, राज्य को, ये देव सतगुरु श्री देवचंद जी को। श्री देवचंद जी की आत्मा किसको सतगुरु मानती है कि मेरे अंदर राज्य बैठे हैं। श्यामा जी किसको सतगुरु मानेगी, राज्य को। महामती जी की आत्मा किसको सतगुरु मानेगी, युगल स्वरूप को। जो बीतक में प्रसंग आता है कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, आप जानते हैं ब्रह्मानंद, सतगुरु की व्याख्या में क्या लिखा है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तीन से परे चेतन चित जो अनुप। ब्रह्मानंद का अर्थ क्या होता है, परब्रह्म का आनंदमय स्वरूप। अपनी अपनी भावना के अनुसार देवचंद जी के अंदर जब तक राज्य का आवेश स्वरूप लीला करता रहा तब तक वे साक्षात राज्य के स्वरूप रहे, क्योंकि आवेश स्वरूप लीला कर रहे हैं। महामती जी का तन जब तक लीला करता रहे वो तन आज भी है, और जागनी ब्रह्मांड में सारी शोभा किसको दी गई है, महामती जी को दी गई है। इसलिए हर ब्रह्मात्मा
तन छोड़ने के बाद उनके चरणों में पहुंचती है और कहती है कि श्री जी, आपने जो मुझे आदेश दिया था, मैंने आपका आदेश पालन कर ब्रह्मात्माओं को जगाने की सेवा की है। चाहे गोपाल मणि जी हों, परमहंस महाराज जी, रामरतन दास जी हों, परमहंस महाराज जी, मंगलदास जी हों, दयाराम बाबा हों, सब ने उस महामति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, क्योंकि मार्फत के दृष्टि हर ब्रह्मात्मा के दिल में राज्य हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शोभा किसकी है? सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामति। अब वाणी क्या कह रही है, मैं उसी चरण पर आ रहा हूँ। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिश चढ़े रहूं, संबंध मेरा यही सो, संबंध मेरा यही सो। आपका किससे संबंध है? राज्य से। राज्य कहाँ है? हक नजीक शहर से। हम सुंदर साथ किसको, सतगुरु को किस में देखते हैं? चित्र में देखते हैं, उसके लिए लड़ते झगड़ते हैं। आजकल तो टोली बन जाती है, कोई कहेगा कि हमारे सतगुरु महाराज ज़्यादा ताकत वाले हैं, कोई कहेगा कि तुम्हारे सतगुरु महाराज कम शक्ति वाले हैं, हमारे सतगुरु महाराज ज़्यादा ताकत वाले हैं। परिणाम क्या होता है? एक एक ब्रह्मात्मा को मानने वाले अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और सारे एक दूसरे को देखते नहीं। होड़ मची रहती है कि कौन अपने सतगुरु को बड़ा कर सकता है। एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे, दोनों पाँव दबा रहे थे। अचानक किसी का पैर टकराया तो उसने डंडा लाकर उस पैर पर मार दिया। दूसरे को बुरा लगा कि जिस पैर को मैं दबा रहा था तुमने उसको मारा है, तो मैं क्यों छोड़ूं? उसने भी डंडा लाकर मारा। अब बताइए कष्ट किसको हो रहा है? गुरु महाराज को ही तो हो रहा है। परमहंस महाराज दयाराम बाबा बड़े हैं कि रामरतन दास जी बड़े हैं कि मंगलदास जी बड़े हैं या गोपाल मणि जी बड़े हैं या सरकार जी बड़े? सबके अंदर तो परम धाम की आत्माएं ही हैं, लेकिन इनके मानने वाले कभी प्रेम से बैठ नहीं सकते, सभी लड़ेंगे। और ये सारी ब्रह्मात्माएं हंस रही हैं कि हमको मानने वाले आपस में लड़ रहे हैं। इस चौपाई को भी यदि कोई सारा समाज समझ जाए तो सारे झगड़े मिट जाएंगे। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु कौन है? जो मेरा मूल स्वरूप है, जो मेरी आत्मा का मूल स्वरूप है, जो ब्रज में था, जो रास में था, जो श्री देवचंद जी के तन में था, केवल वही सतगुरु है। तन बदलते गए, श्री देवचंद जी का तन छूटा, उसका दाह संस्कार हो गया, तन तो चला गया। आप एक राजा का चित्र बनाकर नीचे लिखेंगे सतगुरु धन श्री देवचंद जी, तो चित्र है, वो सतगुरु नहीं हो सकता। आपका सतगुरु आपकी आत्मा के प्राण के निकट बैठता है। हर नजीक सहरक से आड़ो पटने द्वार, खोली आंखें समझ के देखती न देखे भरतार। हम अपने प्राणेश्वर को नहीं देखते हैं, जो हमारा प्राणेश्वर है वही हमारा सतगुरु है, वही हमारा आराध्य है, वही हमारा प्राण जीवन है, वही हमारा प्राण प्रीतम है। और वो चित्रों में नहीं बसता, वो हमारे हृदय मंदिर में बसता है। हमारा दुर्भाग्य है हम उसको नहीं जानते, तभी क्या कहा है, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं, संबंध मेरा यही सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। हमने सतगुरु के संबंध को संसार के रिश्तों में बांटा है, क्षेत्रों में बांटा है, जातियों में बांट दिया है, प्रांतों में बांटा है, परिवारों में बांटा है। जैसे बाबा दयाराम को मानने वाले कौन होंगे? पंजाबी लोग। मंगलदास जी महाराज के संपर्क में आए, वो कहेंगे कि वो तो हमारे हैं। कोई किसी आवेश स्वरूप को आप प्रांतों में बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, कितनी बड़ी नदानी। वो कहता है कि मैं तुमके सबके दिल में मैं हूँ, संबंध मेरा यही सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। पूरी वाणी में कहीं भी दिखा दीजिए जिसमें महामती जी ने श्री देवचंद जी के तन को सतगुरु माना हो। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को किस रूप में रिझाया? मोमिन सेवे कर्मरत, 5000 की जमात है, 500 सुंदर साथ साक्षात अक्षरातीत मानकर सेवा कर रहे हैं। साथ समस्त के बीच में जुगलधनी बैठाए, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बना। ये तो आप कहीं भी चले जाइए, दशनामी सन्यासी भी अपने गुरु को कहेंगे हमारे सतगुरु महाराज हैं। तो उनके पास तो अखंड का ज्ञान नहीं, निराकार का ज्ञान लेकर वे लोग सतगुरु कहला रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारा संसार मोह से पैदा हुआ है। सारा संसार तो अक्षर पुरुष को ही सच्चिदानंद मानता रहा,
उनका परम धाम निराकार था। कोई किसी कोई बैकुंठ वाले को मानता रहा, आपको परम धाम का ज्ञान मिला है, बेहद से परे का ज्ञान मिला है, अक्षर की वास्ताएं, कबीर जी को मानने वाले कबीर जी को सतगुरु मानते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। कबीर जी को कहाँ तक का ज्ञान था? अक्षर तक का ज्ञान था। और आप परम धाम का ज्ञान लेकर भी लड़ते हैं, क्योंकि आपने संबंध की पहचान नहीं की। संबंध मूल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ियो न जाए, इसी को पकड़े रहना है। जित निस्बत तित सब, ब्रज में निस्बत की पहचान थी? नहीं। रास में थी? नहीं। परम धाम में? नहीं। राज जी हमारे प्रीतम है ये जानना कौन सी बड़ी बात है, कि लेकिन निस्बत की मार्फत की पहचान परम धाम में भी नहीं थी। जागने के ब्रह्मांड में आपको यह पहचान मिली है, और इससे हम कितना लाभ उठा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, संबंध मेरा यही सो मैं ताथे सदा सुख लूं। मैं हर पल अपने सतगुरु से, जो मेरा आराध्य है, मेरा आराध्य मुझे जगाने के लिए परम धाम का ज्ञान लेकर आया है। लालदास जी की आत्मा ठट्टे नगर में बैठी हुई बाट देख रही है, वो नित में है, उनको पता नहीं कौन आकर के जगाएगा। भैरव सेठ मध्य और मांस के नशे में चूर है, भीम भाई अपने वेदांत के ज्ञान में चूर हैं, चिंतामणि हजार शिष्यों की मंडली लेकर माया में वो भी फंसे हुए हैं। एक आवेश स्वरूप आता है, पैदल चलता है, सबको जगाने के लिए, बताने के लिए कि मैं जिस तन में बैठा हूँ उस तन में बैठकर तुमको जगाने के लिए गांव गांव वन वन मैं चल रहा हूँ। मेरे इस ज्ञान को पाकर तुम शांति से मुझे देख सकती हो। और छठे दिन की लीला में आप जानते हैं, उन सबके लिए क्षमा शब्द था, हमारे लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है। हमें जंगल जंगल भटकना नहीं है। आप उस समय की कल्पना कीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ा सा दृष्टांत दिया था, जब श्री जी के साथ सब सुंदर सा चल पड़े थे, भिक्षा में जो मिलता है उसको खाते हैं, धूप शीत वर्षा का कष्ट झेलते हैं, किस लिए? भीम भाई कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, सभी संपन्न थे, आचार्य हैं, चिंतामणि के साथ इतनी बड़ी गादी का सुख है, हजार शिष्य हैं। सेठ लक्ष्मण दास इतने बड़े उद्योगपति थे, सबने ठोकर मार दी और भिक्षा मांग मांग करके खा रहे हैं। आज बिना परिश्रम किए आपको चितवनी का मार्ग पता है, निस्बत की मार्फत, इश्क की मार्फत सब कुछ बता दिया गया है, फिर भी हम किस में भटक रहे हैं? चित्र पूजा में। जो अखंड स्वरूप है हमारे अंदर, हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप, कहीं दूर नहीं है। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हुआ परम धाम में वे नूरी स्वरूप से विराजमान है। आपकी आत्मा के धाम हृदय में मूल संबंध के कारण विराजमान है, मार्फत की दृष्टि से विराजमान है। जब बैठे मासूक इत जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुक्ते खन को हाय है नैना भी ना तरस। मैं पूछूं राजी कहाँ हैं, अब क्या करेंगे? आप एक उत्तर देंगे परम धाम में, दूसरा उत्तर देंगे पन्ना जी में, भावुकता में कह देंगे कि राजी हमारे दिल में है, कह तो देंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो कल झूठ बोला था, मैं तो कल इस विकार से ग्रसित हुआ था, मेरे से पाप हो रहा है, मेरे दिल में राजी कैसे हो सकते हैं? सचमुच इसलिए क्योंकि आपकी आंखों के आगे माया का आवरण पड़ा हुआ है। इस शरीर से परे हो जाइए, संसार से परे हो जाइए, अपनी परात्म का श्रृंगार सज लीजिए, फिर देखिए ये माया छुमंतर हो जाएगी। जैसे एक राजा था, उसने कहा कि मुझे केवल हरा रंग अच्छा लगता है, इसलिए मेरे राज्य के जितने भवन हैं सबको हरे रंग से रंगवा दो। रंगाई शुरू हो गई, खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक मंत्री बहुत चतुर था, कहा कि महाराज इतना खर्चा करने से अच्छा है कि आप अपने एक हरे रंग का चश्मा ही रख लीजिए, तो हर बस आपको हरी दिखाई देने लगेगी। बस यही करना है, आप अपनी दृष्टि में परिवर्तन ला दीजिए। जित देखो तित साममयी है, आप परात्म का श्रृंगार सजिए, शरीर से परे हो जाइए। उठते बैठते सुपन सो जागृत, दम न छोड़े मासू को जाके असल निस्वत। यदि आपकी प्रेममय दृष्टि हो जाएगी, परात्म के भाव में भावित रहेंगे, जहाँ बैठेंगे वही आपका परम धाम, आपकी आत्मा के धाम हृदय में दिखता रहेगा।
ऊपर तले अर्श किया मोमिन कलूब, और उसके उस धाम में आपको युगल स्वरूप मिलेंगे। जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिनविद, आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ ही पन्ना धाम रहेगा, वहाँ ही परम धाम रहेगा, क्योंकि आपका दिल ही धाम की शोभा को प्राप्त कर चुका है। राज जी ने तो आपके दिल को धाम बनाया है, आपको ही विश्वास नहीं है, क्योंकि वाणी के ज्ञान का प्रकाश आपके पास नहीं पहुँचा है। इसलिए आप स्थूलता में भटकते हैं, अमुक स्थान, अमुक आश्रम, अमुक मंदिर, अमुक गादी, लेकिन राज जी कहाँ मिलेंगे? आप घुमरची भी जाएंगे तो आपको आंखें बंद करके आपको दिल में ही देखना पड़ेगा। महामती जी का तन वहाँ झूले पर विराजमान है, महामती जी के धाम हृदय में राज जी बैठे हैं, लेकिन महामती जी के तन के अंदर उनके धाम हृदय में बैठे हैं वो प्रत्यक्ष बैठे हैं, आपके अंदर छिप करके बैठे हैं और आपको पता नहीं है। इसलिए ये छुपाई बहुत कुछ कह जाती है कि सतगुरु मेरा श्याम जी। मेरा सतगुरु कौन? जो मेरी आत्मा का प्रीतम है वही मेरा सतगुरु है, शरीर सतगुरु नहीं। इसलिए सुंदर साथ को चाहिए कि सतगुरु के नाम पर लड़ना झगड़ना बंद करें, सतगुरु की वास्तविक पहचान करें। जो अखंड स्वरूप वाला है, जो परम धाम का आवेश स्वरूप है, वही सतगुरु है। हर ब्रह्मात्मा के दिल में भी वही बसता है। राज जी किसी परमहंस को शोभा दे देते हैं, और परम धाम के संबंध से हम श्रद्धावश उनको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु कौन है? जो उनके दिल में बसता है। शरीर सतगुरु नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, पंचभूतात्मक है। चाहे किसी परमहंस का तन हो या किसी गृहस्थी का तन हो, सबके तनों में वही मलमूत्र भरा होता है। इसलिए उस तन में परम धाम की आत्मा वास करती है। उस आत्मा ने अपनी नज़र को परम धाम में किया है, तो परम धाम का श्रृंगार, परम धाम की शोभा, परम धाम वाला अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम वाणी के कथनों को अंगीकार करें। यह वाणी हमें परम धाम की राह दिखाती है। यह ब्रह्मवाणी हमें उस सत्य के शिखर पर पहुंचाती है, जिस पर पहुंचने के बाद कोई विवाद नहीं होता, जिसको पाने के बाद मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। और इसलिए यदि एक चौपाई जो आज की है इसको सुंदर साथ यथार्थ में समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ समाज का बहुत बड़ा विवाद टल जाएगा। प्रणाम जी।